गाइस होप यू ऑल आर फाइन। तो जैसे कि आपको पता है कि लॉकडाउन लग चुका है तो हर जिम वालों की हालत तो बहुत ज़्यादा ठूस हो चुकी है। बट तुम्हारे भाई ने पिछले साल कुछ मशीनें मंगाई थी, अपना मतलब जिम सेटअप किया था एक तरीके से, तो इस बार शायद से मुझे उस तरीके की प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े जैसे पहले करनी पड़ी थी। तो देखते हैं, आज वैसे मैं आपको अपना जिम टूर तो कराने ही वाला हूँ, तो चलो। हाँ भाई, व्लॉगिंग वगैरह स्टार्ट हुई है गाइस। मैंने ना इसे बहुत ज्यादा फोर्स करा, मतलब बहुत ही ज्यादा सच्ची कि भाई, मतलब अगर यार कुछ टैलेंट है तो यार उसे शोकेस करो ना भाई, यही तो लॉकडाउन है। और अगर आप में भी वो टैलेंट है तो यार आप भी शोकेस करो, बाकी आप मजे लो जिम टूर के। चलो चलते हैं फिर। तो जैसा कि आप सब देख ही सकते हैं जिम की क्या हालत हो चुकी है, तो अब इसको सेटअप करना पड़ेगा, तो आप लोग टाइम लैप के मजे। मैं आपको दिखाता हूँ अपना छोटा सा जिम जो मैंने लॉकडाउन में सेटअप किया था। इसके पोस्टर तुम देख ही सकते हो। इसे लगाने के लिए ज़्यादा मेहनत तो नहीं लगी, बट तब भी जितना है मज़ा आएगा। ये मैंने छोटे छोटे कटिंग करी थी, फोटो स्टेट निकाली थी, बट इसमें भी मेरे को थोड़ा सा फील आता है, मतलब जिम जैसा फील लगता ही लगता है। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ अपनी छोटी सी मशीन जो मैंने अमेजोन से मंगाई थी। मतलब कॉस्ट इतनी कॉस्टली भी नहीं है, 12,000-14,000 के आसपास यहाँ पे मिल जाएगी अमेजोन पे। मेरे हिसाब से तो अमेजोन बेस्ट है इस चीज़ के लिए। अब मैं दिखाता हूँ तुम्हें इसमें क्या क्या चीज़ें लग सकती हैं। इसमें पुली लग सकती है, इसमें थाई लग सकती है, इसमें चेस्ट लग सकती है, इसमें शोल्डर लग सकते हैं, इसमें मतलब मैक्सिमम चीज़ें लग सकती है आपकी जो आपको रिक्वायर होती है एक जिम वाले के लिए। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ अपने वेट्स। आइए वेट्स देखिए, ज़्यादा तो नहीं है बट इतने हैं कि मेरा काम चल जाएगा, मतलब मेरा तो चल जाएगा। जिम ना जाने से अच्छा है यहाँ पे कर लीजिए वर्कआउट, ओके। तो मेरे पे वैसे तो 80 की चीज आया था, जैसे 10 की 4 है, 5 की 4 है, 3 की 4 है, 2 की 4 है, और थोड़े से अगर तुम्हें दिखाया जाए, ये मैंने अपने फ्रेंड से मांगे थे, लोहे के वेट है। मेरे हिसाब से इससे ज्यादा भारी मुझे ये लगते हैं। और तुम्हें ये भी पता होगा कि लोहे के वेट और प्लास्टिक के वेट्स में क्या डिफरेंस है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ मेरे पास कितनी रॉड है। मेरे पे वैसे तो 4 रॉड है, एक जिगजैग, एक बारबेल और 2 नॉर्मल रॉड है मेरे पास, एकदम प्लेन रॉड है। हमारे पास पुली है, रोप है जो आपको पता है किस लिए यूज आती है। सो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ ये मेन चीज, रेजिस्टेंस बैंड। ये बहुत जरूरी है वैसे पर एक जिम पर्सन के लिए, इतना बड़ा सेटअप ना भी तुम खड़ा कर पाए तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आपको पता ही है कि ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक तरीके से। इसमें बाइसेप लग सकते हैं आपके आराम से, इसमें बैक लग सकती है आपकी, इसमें थाई भी लग सकती है एक तरीके से। तो आपको पता ही है कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट पड़ेगा ही पड़ेगा। मैं आपको दिखाता हूँ अपना प्रीचर, ये बहुत ज्यादा जरूरी था इनके साथ वैसे। ये प्रीचर मतलब उस टाइम पे एकदम खतरनाक तरीके से आया मेरे पास, मुझे पता भी नहीं था ये आएगा बट आ गया। और साइड्स के लिए यहाँ पे ट्विस्टर है मेरे पास, आप देख ही सकते हैं ट्विस्टर। ये भी एक तरीके से काइंड ऑफ की जरूरत पड़ता है एक बॉडी बिल्डर्स के लिए, साइड्स मारने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। सो वैसे तो मेरे फादर साहब ने मेरे को दिलाया था म्यूजिक सिस्टम, बहुत ज्यादा जरूरी है म्यूजिक सिस्टम एक तरीके से। वर्कआउट बहुत अच्छी तरीके से होता है सच में। तो ये है मेरा छोटा सा जिम, आप देख ही सकते हैं, देख लीजिए एक बारी। छोटा सा जिम टूर, अब करते हैं सीरियस टॉपिक पे बात, कोरोना। जैसे कि आप सबको पता है कि कोरोना बहुत तेजी से इंडिया में फैल रहा है, ये पिछली बार से बहुत तेजी से फैल रहा है। इस बार मुझे पता है एक फिटनेस रिलेटेड पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है इस टाइम पे अपने आप को फिट रखना, बट आप घर पे फिट रह सकते हैं, आप होम वर्कआउट कर सकते हैं। बस आप जितना हो सके उतना ज़्यादा घर पे रहिए। मैं अपने चैनल पे फिटनेस से रिलेटेड और होम वर्कआउट से रिलेटेड वीडियो डालता रहूँगा, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट।